नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ब्लॉक इकाई देवकली ने सोमवार को ब्लॉक मुख्यालय परिसर में ब्लॉक अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर संघ के जिला अध्यक्ष रोशन लाल ने कहा कि पहाड़पुर कला ग्राम में सफाई कर्मी हीरामणि कश्यप, शांति देवी, अनमर खान, दिनेश राम को सफाई कार्य करते समय कुछ अराजक तत्वों द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की घटना हुई थी। करंडा थाना में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश गुड्डू ने कहा किसी भी कीमत पर कर्मचारियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यदि जल्द न्याय नहीं मिलता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर जिला मंत्री पंकज यादव, सच्चिदानंद, सदर ब्लॉक अध्यक्ष विनोद चौधरी, अजीत यादव आदि मौजूद थे। राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय महुआबाग सोमवार को नारी मिशन शक्ति व यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके और दीप प्रज्वलन करके किया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने उपस्थित महिलाओं, छात्राओं को नारी सुरक्षा से संबंधित 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन, यूपी 112, 181 आदि के संबंध में जानकारी देते हुए अपील की कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर इन नंबरों पर संपर्क करें। पुलिस आपकी सुरक्षा में हर समय मौजूद है। यातायात के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि बिना हेलमेट लगाए बाइक न चलाएं। चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने की अपील करते हुए यातायात के अन्य नियमों को बताते हुए इसका पालन करने की अपील की। इसके उपरांत एसपी ने छात्राओं को हेलमेट वितरित कर यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी, यातायात सीओ महमूद अली, सदर क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला, यातायात प्रभारी प्रवीण यादव और यातायात जागरूकता अभियान में सहयोग करने वाले हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। खानपुर थाना पुलिस को रविवार की रात बड़ी सफलता मिली। उसने कुड़ालंबी गांव के पास घेरेबंदी कर बाइक सवार 2 लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक भागने में सफल रहा। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक पन्नेलाल ने बताया कि रात में गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर कुड़ालंबी गांव के पास घेरेबंदी कर शातिर लुटेरे तराय निवासी सनोज कुमार और करंडा थाना क्षेत्र के रामपुर मांझा निवासी कृष्ण कुमार उर्फ किशन को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक लुटेरा राजा भागने में सफल रहा है। उनके पास से 4 315 बोर का तमंचा, 3 कारतूस के साथ ही लूट की बाइक भी बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में अभियुक्तों का चालान कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक के साथ उप निरीक्षक नजीमुद्दीन सिद्दीकी, कांस्टेबल मनोज सिंह, विनोद कुमार, वीरेंद्र कुमार, अजय यादव और अखिलेश यादव आदि शामिल थे। अधिशासी अभियंता चतुर्थ महेंद्र मिश्रा के निर्देशन पर रेवतीपुर पावर हाउस पर महाकैंप का आयोजन सोमवार को किया गया। इसमें कुल 92 उपभोक्ता आए, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीओ जमानिया विजय यादव ने 65 लोगों द्वारा 3 लाख राजस्व के रूप में बिल जमा कराया। 6 लोगों का बिल रिविजन हुआ एवं 11 लोगों के परिसर पर नया मीटर लगाने के साथ ही 15 बिजली बिल बकायेदारों का, जिन्होंने कभी भी बिल जमा नहीं किया, उनका विद्युत विच्छेदन किया गया। मेगा कैंप में मुख्य रूप से जेई हर्षित राय, कार्यालय सहायक अखिलेश सिंह, मीटर रीडर कृष्णा यादव, वरुण राय, चंद्रभूषण मुन्ना, राजेश, मिंटू अनुज, अरुण, सिकंदर एवं समस्त संविदा कर्मी मौजूद रहे। विद्युत विभाग द्वारा ग्राम सत्यनगर चौथी बांध दहेंदू बाराचावर में उपखंड अधिकारी तृतीय मोहम्मदाबाद शत्रुघ्न यादव के नेतृत्व में सोमवार को सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 35 घरों को चेक किया गया। 3,25,000 के बड़े बकायेदारों का विद्युत विच्छेदन किया गया। 9 लोगों द्वारा कटिया कनेक्शन एवं मीटर बाईपास से बिजली उपभोग करते पाए जाने पर विद्युत धारा अधिनियम 135 के तहत विजिलेंस FIR दर्ज किया गया। पूर्व में बकाये पर काटे गए कनेक्शन को 4 लोगों द्वारा पुनः जोड़ने पर FIR दर्ज की गई। चेकिंग टीम में अवर अभियंता रवि चौरसिया, चित्रसेन प्रसाद, तेजस एवं समस्त संविदा कर्मी मौजूद रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।